कोरोना के वैक्सीन आने से जहां लोगों में खुशी की लहर, वहीं एक नई ऊर्जा का सृजन हुआ। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों तक पहुंची, लोग अपने आप को काफी मजबूत और कह सकते हैं कि स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी और कोविड वैक्सीन के इंचार्ज डॉक्टर ललन कुमार राय ने वैशालियों से खास बातचीत में बताया कि इसके लिए क्या क्या तैयारी की गई है, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं और ये कैसे फंक्शन करेगा, इस पर पूरे जानकारी उन्होंने वैशाली न्यूज के दर्शकों को दी है। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी ये वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आया है। सबसे पहले ये तो स्वास्थ्यकर्मी को दिया जाना है, उसके बाद फेज वाइज अलग अलग तरीके से लोगों को जरूरत के हिसाब से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि ये डोज जब दोनों दो तरीके के डोज होंगे जो 28 दिनों के अंतर पर पड़ेंगे, और जब दोनों डोज पड़ जाएगा उसके 15 दिनों के बाद ये पूरी तरीके से कारगर होगा। इससे पहले कोरोना से बचने के जो उपाय किए जाते रहे हैं उसे विशेष तौर पर किए जाने की ज़रूरत है, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, हाथ साफ करना, ये तमाम चीज़ें लगातार अभी आपको करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोज पड़ गया और आप इसे छोड़ दें। इसकी पूरी जानकारी उन्होंने वैशाली उसके दर्शकों को दी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है डॉक्टर ललन कुमार राय ने। क्योंकि ऐसा है कि ये कोरोना की वैक्सीन जो आई है, ये आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक पल है। हमारे हाथ में जो कोरोना जैसी गंभीर जो बीमारी है, महामारी थी, वैश्विक महामारी, उसे लड़ने का एक हथियार आया है। और 16 तारीख से ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, यह जंग शुरू हो जाएगी। और ये जो है तो इसका सारा प्रोटोकॉल जो है वो सुनिश्चित है, और हमें लोगों के अंदर यह विश्वास जगाना है, और हमारा खुद का विश्वास ये है कि यह लोगों के अंदर एक नई जोश शक्ति देगा कि हम अब कोरोना से जीत सकते हैं। तो ये वैक्सीन जो है ये ट्रायड है, इसकी सक्सेस रेट 95% फर्स्ट डोज में है, और काफ़ी सारे डॉक्टर लोग ट्रायल में इसको लिए हुए हैं, और इसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो हम अब 16 तारीख जब इसको इस्तेमाल करेंगे और लोगों के अंदर जब लोग देखेंगे तो लोगों के अंदर एक नई शक्ति आएगी, जो कोरोना से बिल्कुल डरे हुए हैं उनके अंदर एक नई शक्ति आएगी, विश्वास आएगा, जगेगा। और यही हमें करना है कि लोग कोरोना से डरना छोड़ के इसके बारे में, इससे लड़ने के बारे में सोचें, और कुछ बातें इसके लिए जानना ज़रूरी है। वह ज़रूरी ये है कि यह वैक्सीन जो है सो दो डोज में पड़ना है। पहला डोज किसी को आज पड़ेगा अगर, तो उसके कम से कम 28 दिनों बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हफ्ते बाद दूसरा डोज पड़ेगा, और दूसरा डोज पड़ने के 15 दिनों के बाद से ही उनके अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि वह कोरोना से लड़ने में सक्षम होंगे। इसलिए उनको यह सोचना चाहिए कि हम पहला डोज ले लिए, जो भी लोग ले रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि वह यह नहीं सोचे कि आज हम पहला डोज ले लिए तो आज से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोरोना के प्रति एहतियात हैं वह सब छोड़ देना है और उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। यह गलत होगा। जो भी पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज के 15 दिन तक ये सारी चीज़ें, सारे एहतियात जो कोरोना के जो अस्त्र हैं हमारे, वो सारी चीज़ों को बिल्कुल रिलीजियस रूप से पालन करना है। 45 दिनों के बाद एंटीबॉडी जब फॉर्मेशन होगा उसके बाद हम थोड़ा सोच सकते हैं कि हम कोरोना से जंग जीत रहे हैं। और ये एक बहुत ही सुखद पल है कि लोगों में ये विश्वास धीरे धीरे, अभी तो नई वैक्सीन है, लोगों के अंदर बहुत सारी क्वेश्चन है मन में, इसको कहते हैं इगरनेस ऑफ द वैक्सीन। इगरनेस ऑफ द वैक्सीन, क्या हो सकता है, क्या होगा, कैसे होगा। कुछ लोगों के मन में इसके प्रति रेसिस्टेंस भी है कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये वैक्सीन लोगों को दिया जाएगा, लोगों के मन में धीरे धीरे विश्वास जागता जाएगा कि हम कोरोना से इसको लेकर के जीत सकते हैं। और हम सभी समाज के लोगों को, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी यह जिम्मेवारी है कि लोगों के अंदर यह विश्वास पैदा करें और लोगों को ये बताएँ कि हाँ, ये जो है वैक्सीन जो है इसलिए लाया गया है ताकि हम कोरोना से जीतें। और पूरे विश्व में चल रहा है, सारे जगह चल रहा है, अभी 50 देशों में ये वैक्सीन शुरू हुआ है, 50 देशों में अभी शुरू हुआ है, और सारे जगह जो है सो वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसको फेज में करना है, क्योंकि वैक्सीन की मात्रा
एक साथ इतनी पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे लोगों को देना है तो एक साथ इतनी वैक्सीन की मात्रा उपलब्ध नहीं हो सकती है। फेज में करना है, सबसे पहले जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स लेंगे, जो हेल्थ केयर प्राइवेट हों या गवर्नमेंट हो, फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं वह लेंगे। उसके बाद दूसरा है फ्रंट लाइन वर्कर्स जो पुलिस हैं, होमगार्ड के जवान हैं, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो हमारे नगर निगम कर्मचारी हैं, वो सब फ्रंट लाइन वर्कर है, उनको दूसरे फेज में दिया जाएगा। तीसरा जो फेज स्टार्ट होगा तो वह कॉमन फेज स्टार्ट होगा, उसमें जो है आपको 50 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को दिया जाएगा। उनकी संख्या जो है बहुत बड़ी होगी, अभी हमारी संख्या जो 15,260 है हेल्थ केयर वर्कर्स की, निगम कर्मचारियों को जो हमने टोटल निगम और पुलिस कर्मचारी फ्रंट लाइन का हमने जो गणना की है उसके हिसाब से लगभग 5,000 लोगों की बात आएगी। लेकिन जब फ्रंट लाइन वर्कर्स 50 ईयर्स प्लस वाले जो लोग आएंगे तो वह 14% ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं, करीब करीब 6,00,000 के आसपास, 6,20,000 के आसपास उनकी संख्या होगी। तब ये जो है सो बड़ा, बहुत बड़ा जो है सो एक्सरसाइज होगा लोगों को देना। उसके बाद से जो मॉर्बिडिटी प्री मॉर्बिडिटी वाले लोग हैं जिनको बीमारियां हैं, यह वैक्सीन किसी भी बीमारी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। जो प्री मॉर्बिडिटी वाले लोग हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिनको किडनी की बीमारी है, कुछ भी है, उनको भी देना जरूरी है, क्योंकि कोरोना होने से वो सारी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं और उससे लाइफ का खतरा और बढ़ जाता है, इसलिए उन सभी को देना है। इस तरह से फेज्ड मैनर में इस वैक्सीन को हम आगे बढ़ाएंगे और यह लगातार उम्मीद है कि यह लगातार सिलसिला चलता रहेगा। तो यह जो है हमारी कोरोना के ऊपर यह पहला वार है और यह बहुत बड़ी विजय है। इसको हम लोग पॉजिटिव रूप से सोचें और सारे लोगों से मेरी अपील है कि इसको पॉजिटिव रूप से सोच करके इसको लेने का, विश्वास के साथ लेने का कार्य करें। जिससे अभी जो वैक्सीन आया है तो लेने के लिए क्या प्रक्रिया, किस तरीके से लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे या? देखिए, अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है यह पूरी तरह से एक ऐप बेस्ड काम है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, अनरजिस्टर्ड लोगों को नहीं देना है और स्पॉट रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो पहले जो है ऐप पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐप है जिस पर जो भी फेज अभी चलना है उनके सारे लोगों को उनके पहचान पत्र के साथ रजिस्टर कर लिया गया है। सारे लोगों का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका जन्म तिथि और पता और उनका पहचान पत्र सभी रजिस्टर कर लिए गए हैं। अब जो ऐप है खुद ही उनको मैसेज भेजेगा, उनके रजिस्टर जो मोबाइल नंबर हो उस पर, कि आपको फलाने दिन को फलाने जगह पर कोरोना का वैक्सीनेशन टीकाकरण कराने के लिए आना है। और जब वो आएंगे वहाँ पे तो वहाँ पर उनको चेक किया जाएगा कि वही सही व्यक्ति हैं, उनके पहचान पत्र को चेक किया जाएगा और उसके बाद चेक करने के बाद जो है उनको टीका दिया जाएगा। टीका देने के बाद आधे घंटे तक उनको वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं चाहे कोई दवा हो और चाहे कोई भी वैक्सीन हो, जो रूटीन निम्न टीकाकरण के टीके हैं, सभी के साथ एक बहुत मामूली परसेंटेज में एडवर्स इफेक्ट होता है, और वैसा ही इस वैक्सीन के साथ भी हो सकता है। ये नए वैक्सीन है लेकिन बहुत बहुत बड़ा, किसी में 10,00,000 में एक होता है, किसी में बहुत कम संख्या में एडवर्स इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, उसको अगर किसी को होता है, कुछ भी होता है, तो उसको हर वहीं साइट पर ही जहाँ पर वैक्सीन दिया गया वहाँ पर पूरी तैयारी की गई है कि उनको कुछ भी नहीं हो। और उस एडवर्स इफेक्ट जितने भी तरह के अभी तक होते हैं सारे के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और वहाँ पर उसके लिए एक किट रखा गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया है, उनके लिए बेड रखा गया है, और वहाँ एक चिकित्सक रखे गए हैं जिनकी ट्रेनिंग की गई है, और एक ANM रखे गए हैं जिनकी ट्रेनिंग की गई है कि कोई भी बात वो शिकायत करते हैं कि ऐसा है तो उनके लिए वहाँ सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। इसलिए उनको विश्वास रहना चाहिए कि किसी भी एडवर्स इफेक्ट से उनको कुछ भी नहीं होगा। जिले में वैक्सीन आने के बाद जो मैसेज मार्केट पब्लिक तक जाएगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसमें मीडिया का क्या रोल होगा? देखिए, मीडिया से हमारी जो अपेक्षा है, चाहे सभी लोगों की अपेक्षा है, क्योंकि मीडिया का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर मीडिया पॉजिटिव रहती है तो कोई भी प्रोग्राम जो है, कोई भी कार्यक्रम कहीं से कहीं पहुँच जाता है। इसलिए मीडिया से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की हमारी अपेक्षा है, और हम ये चाहते हैं कि वैक्सीन को देखें, टेक्निकलिटी को समझें। ये नहीं कि अगर एक आज एडवाइस किसी को बुखार हो गया तो हम ये कह रहे बाप रे बाप उसको बुखार हो गया कोई बड़ी बात नहीं, बुखार तो होता ही है। अगर हम कोई जो अंग्रेजी दवा कभी भी खाते हैं उसका भी एडवर्स इफेक्ट होता है, फिर भी हम खाते हैं। तो उसी तरह से वैक्सीन ले लेंगे, अगर कोई 100 में से एक आदमी को कुछ बुख हो गया तो उसका इलाज होगा। तो ये चीज़ हम लोगों के मन में विश्वास बैठाना है, क्योंकि नई चीज़ है,
तो अगर हम थोड़ा सा भी निगेटिव लिखेंगे, थोड़ा सी भी ऐसे लिखेंगे कि अरे इससे तो ऐसा हो गया, तो उससे क्या होगा कि लोगों के मन में विश्वास जो है वह कम होगा। जबकि हमें विश्वास को बढ़ाना है कि होने से क्या हुआ, उसका इलाज हो गया, ठीक हो गया वो। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, आपको मैक्सिमम में रिवर्स इफेक्ट क्या होते हैं कि पहले से जो उनके पास बीमारियाँ होती हैं, मान लीजिए सांस की तकलीफ है, पहले से कोई बीमारी है, वह जो है सो बढ़ गई उस समय घबराहट से चाहे जिस चीज़ से, तो वह जो है एडवर्स इफेक्ट वैक्सीन का नहीं है, बल्कि उनके अपने शारीरिक जो उनके अंदर में जो बीमारियाँ हैं उसका एडवर्स इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमें लोगों को समझानी होगी, लोगों के अंदर में इस विश्वास दिलाना होगा कि यह वैक्सीन कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है और यह हमें एक सक्षम हथियार है हमारे लिए कोरोना जैसी घातक वैश्विक महामारी से लड़ने का, यह विश्वास उनके अंदर पैदा करना होगा। मेरा सवाल है कि जो ये वैक्सीन आ जाया है, इसकी सूचना मार्केट में फैलेगी तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर में इससे बहुत ही विश्वास जागृत होगा, लोगों के अंदर में कोरोना से लड़ने का बहुत ही विश्वास बढ़ेगा और लोगों के मन में यह भावना जागृत होगी कि अब हम कोरोना से जीत सकते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ेगी और यह हिम्मत जो है हमें बहुत काम देगा। यह उनके जरूर से जरूर उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेज आएगा, उनको यह लगेगा कि पहले वो हिम्मत हार चुके हैं, सभी अधिकांश लोग सोचते हैं कि कोरोना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब उनके पास एक हथियार है उसके खिलाफ, यह उनके अंदर विश्वास जगेगा कि अगर कोरोना का दौर चला भी फिर से तो हमारे पास एक हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं उससे, और यह भावना जो है उनके अंदर आज न कल पैदा होगी और उससे बहुत ही बड़ा बल मिलेगा समाज को, इस ये मेरी पूरी तरह से मेरा विश्वास है। ये एक और सवाल जो कि दो तरीके के वैक्सीन अभी आने की बात हो रही है, क्या अंतर है उसमें और उसमें किस तरीके से उसको दिया जाना है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो? देखिए, वैक्सीन टोटल 264 तरह के काम हो रहे हैं, दो तरह की वैक्सीन आई है, एक जो अभी वैक्सीन आई है वह जो है वैक्सीन एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे के हैं उनके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई वैक्सीन है, और दूसरी वैक्सीन जो है इसका नाम है कोविशील्ड जो अभी आई है, दूसरी वैक्सीन है कोवैक्स। तो कोवैक्सीन जो है वह जो है भारत बायोटेक और ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन तीनों का इंडिजिनस रिसर्च प्रोडक्ट है, अपना इंडिजिनस अपने देश की वैक्सीन है। दोनों वैक्सीन में कोई भी वैक्सीन, इसमें एक चीज़ यहाँ जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि कोरोना की जितनी भी वैक्सीन पर काम हो रहा है वह अलग, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स पर काम हो रहा है, सभी अलग अलग कंपोनेंट्स से बनाए गए हैं और उनके अंदर जो कैरियर्स हैं वह भी अलग अलग हैं, इसलिए यह कभी नहीं हो सकता है कि कोरोना के वैक्सीन में अगर किसी एक कंपनी का वैक्सीन पहला डोज में दिया गया तो दूसरा कंपनी का वैक्सीन दूसरे डोज में दिया जाएगा, यह नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो दोनों डोज एक ही कंपनी के वैक्सीन से, अगर वो कोविशील्ड लेंगे तो उन्हें कोविशील्ड ही दूसरा डोज दिया जाएगा, अगर कोवैक्सीन लेंगे तो उनको कोवैक्सीन ही दूसरा डोज दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करना हमारा स्वास्थ्य विभाग का काम है और हमें यह एकदम बिल्कुल इसके लिए अलर्ट रहना है। तो ये जो है अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इसके, इसलिए इनके अंदर जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का जो प्रक्रिया है वह अलग अलग है, इसलिए ये जो है आपका कोवैक्स जो है ये जो है सब पूरी तरह से कोरोना वायरस को बीमारी पैदा करने की क्षमता ख़त्म करके और उसको लेके बनाया गया है, जबकि आपका जो कोविशील्ड है वह कोरोना वायरस का जो स्पाइक्स प्रोटीन है उसके साथ बनाया गया और बहुत ही उसकी जटिल प्रक्रिया है, उतनी टेक्निकलिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है दोनों अलग अलग वैक्सीन हैं, उसी तरह से जो अन्य वैक्सीन है जैसे रूस की वैक्सीन है चाहे और भी जगह की वैक्सीन है, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। तो ये वैक्सीन जो दोनों हैं बिल्कुल कारगर वैक्सीन है, इनका ट्रायल किया जा चुका है और यह निश्चित रूप से सफल होंगे, हम लोगों का यह विश्वास है। एक और चीज़ जो कि 95% इसको मानते हैं कि प्रोटेक्टिव है, ये 5% प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए? देखिए, ऐसा है कि 95% की बात हम नहीं करते, आप अगर जितने भी पहले भी प्रोग्राम किए गए हैं, मान लिया पोलियो का ही प्रोग्राम किया गया है, 100% प्रोटेक्शन का उसमें भी नहीं था। तो होता क्या है कि जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक वर्ड होती है हर्ड इम्यूनिटी की, एक वर्ड होती है हर्ड इम्यूनिटी की, तो जब इस्तेमाल करेंगे और लोग प्रोटेक्टेड होते जाएंगे तो उसमें अंदर ही अंदर एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ग्रुप में होता है जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे बाकी के लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो यह जो है सो नॉर्मल बिल्कुल फेनोमेना है, फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है और ये जान सभी लोग इस्टेब्लिश फेनोमेना है कि ऐसा होता है। तो अगर मान 95% के अगर 80% भी इसका सक्सेस रेट होगा तो हर्ड इम्यूनिटी से बाकी लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे, यह सुनिश्चित है। तो दवा तो का असर करेगा ही, उसके साथ हिम्मत भी उसमें बहुत 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 काम करेगा, बहुत हिम्मत तो रखना ही है
और हिम्मत। अभी यह लोगों के मन में अलग अलग तरह की भावनाएं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि 10 दिन ये वैक्सीन चलेगा और लोगों के अंदर की भावनाएं बिल्कुल चेंज कर जाएंगी और लोग जो है सो बिल्कुल ही इसको समझेंगे कि अब हमारे पास, उनके अंदर विश्वास जग जाए कि हमारे पास एक कोरोना से लड़ने का हथियार आ गया है और हम अब बिल्कुल ही सफल रहेंगे। जो साल बीत गया सो बीत गया, इस साल हम सुरक्षित रहेंगे, ऐसा विश्वास लोगों के अंदर आएगा। मेरी ऐसा विश्वास है, मेरा अपना ऐसा विश्वास है।